हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम जा रहे हैं एक लड़का को फोन देने के लिए। फोन इसलिए देने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम कल भागलपुर से सफर करके हम कहलगांव अपना स्टेशन उतरकर आ रहे थे, तो अचानक हम रेलवे नंबर प्लेटफार्म के एक साइड अपोजिट साइड हम उतर गए। तो हम जैसे ही उतरे तो प्लेटफार्म उस साइड था, तो अचानक हम नीचे उतरे तो हमें एक फोन दिखाई दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओप्पो का सेट है। तो फिर बाद में हम फोन लेके हम सोचे कि आरपीएफ के पास जाए, लेकिन हम आरपीएफ के पास नहीं गए और सीधा हम फोन लेके अपना घर चल गए। तो जैसे ही हम घर गए तो फिर हम सोच लिए थे कि जिसका फोन है हम उसका फोन दे देंगे। तो कुछ ही मिनटों के बाद जिसका फोन था उसका कॉल आया, बोला भैया मेरा फोन खो गया है, ऐसा ऐसा बात है। तो हम उनसे बातचीत कर लिए, तो बोले भैया आप ठीक है, आप सवेरे आइए 6 बजे, हम आपको पता बताते हैं, आप वहाँ पर आइए, आपको फोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं उसी को फोन देने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे कहलगांव रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हमको फोन मिला था। आपको हम चलिए उस जगह का थोड़ा झलक दिखाते हैं कहाँ पर हमको फोन मिला था। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे कहलगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की ओर जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कहलगांव स्टेशन है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर नीचे यही है प्लेटफार्म। तो जैसा कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं प्लेटफार्म है, यहीं पर जैसा कि यहाँ पर देखिए इसी टाइप का फोन गिरा हुआ हमको मिला था। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर फोन गिरा हुआ मिला था। तो हम दोस्तों यहाँ पर उतरे थे, तो अचानक हमको यहाँ से वहाँ फोन दिखा, तो फिर हम फोन उठाया, फिर फोन लेके हम रूम पे चल गए। तो दोस्तों, अभी हम उसी को फोन देने के लिए जा रहे हैं, हम जहाँ पर उसको अपना पता बताए, तो लड़का आके कब से रेडी है, तो हम उसी के पास जा रहे हैं, उसको फोन देंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कहलगांव रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और हम जा रहे हैं जिसका फोन है उसको फोन देने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको फिर मिलाएंगे लड़का से जिसका फोन था, उसका फोन कैसे खोया है, आपको सभी चीज के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि जैसे ही कल हमने रेलवे स्टेशन के पटरी पर ये जो फोन पाया, तो हमको अजीब सा फीलिंग सा लगा कि दोस्तों अगर हम फोन रख ही ले तो क्या होने वाला, कुछ तो होने वाला नहीं है क्योंकि 2 से 3 हज़ार का फोन है। लेकिन जिसका फोन खोया होगा तो उसको कितना मतलब परेशानी हुआ होगा, इस फोन में क्या है नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारा फोन में रहता, आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, एक्चुअली हम उसी को फोन लौटाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, कुछ ही दूरी पर वो लड़का खड़ा है और हम उसके पास जा रहे हैं। तो दोस्तों, ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके पास हम तेजी से बढ़ रहे हैं, वो लड़का कब से वेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा हमको ही कुछ लेट हो गया था कपड़ा वपड़ा पहनने में, थोड़ा नाश्ता करने में। तो उसको हम 6 बजे का टाइम दिए थे, लेकिन अभी 6 से 20 हो रहा है। तो दोस्तों, हम उसी के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, आपको हम और एक बात बता दें कि दोस्तों, अगर आपको भी कहीं किसी का फोन मिले या किसी जगह छूट गया हो या किसी आप रास्ते में पा लिए, रास्ते में किसी का फोन खो गया हो और आपको मिल जाए, तो आप कोशिश करें दोस्तों उसको लौटाने का, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आप भी फोन चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, पूरा दुनिया भी फोन चला रहा है। फोन में क्या क्या रहता है आपको तो पता ही है, किसी का डॉक्यूमेंट्स रहता है, किसी का फोटो रहता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इस फोन में रहता है। तो दोस्तों, हम उस लड़का के पास धीरे धीरे जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ ही देर में उस लड़का के पास हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, हाँ, हम आ चुके हैं भैया को फोन देने के लिए। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये है कहलगांव का बस स्टैंड पार्क। तो भैया हमारे यहाँ पर कब से खड़े हैं, तो देखिए ये हमारे भैया हैं। तो चलिए पहले इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कैसे आपका फोन हराया, कहाँ आप कहाँ से आ रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। तो भैया आप बताइए कि आपका फोन कहाँ पर खोया था। तो भैया आप कहाँ से आ रहे थे कल, जो कहलगांव स्टेशन पर आपका फोन खोया था। भागलपुर से आ रहे हैं। तो भैया आप फोन जो खोया, तो आप ध्यान से नहीं रखते हैं फोन। तो भैया गलती हो गया, ध्यान से रखते थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि भैया का फोन था, हम तो इसको दे ही देंगे। फिर एक बार आपको बात बता देते हैं कि भैया आप भी अगर किसी का फोन पाते हैं या किसी का फोन आपको रास्ता में मिलता है, तो आप उसको फोन लौटाने का कोशिश ही कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस फोन में बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है, फोटो रहता है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें रहता है इस फोन में।
तो दोस्तों आप सभी, आपसे विनती है कि आप अगर कहीं फोन रास्ते में आपको मिले तो आप उसको फोन लौटाने का कोशिश करें। तो ठीक है दोस्तों, आपसे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि आप दूसरे का सहायता करें, अच्छे सच्चे मन से, दिल से दूसरे का सहायता करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जल्दी से लोग अभी पूछते हैं, रुकिए एक मिनट, सदम जी इधर आइए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, फोन अभी तो ऑन ही है, हम इसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। जैसा कि इसका ब्राइटनेस बढ़ाएं तो दोस्तों हमको तो पता नहीं इसका पासवर्ड क्या है, लॉक क्या है। तो भैया से पूछते हैं, भैया आप बताइए पासवर्ड क्या है। दो 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 दो। इसका भैया पासवर्ड तो जो था ना, तो दो करके छः बार हम इस पर क्लिक किए तो पासवर्ड खुल गया। तो भैया देखिए, इसी का फोटो है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा हल्का से, देखिए आप प्लस में उसका फेस भी देख लीजिए, वही वही भैया है। तो हम इसको फोन दे रहे हैं, तो देख रहे हैं भैया आ गया, हम उसका जो फोन पाए थे हम उसको देने जा रहे थे। आप देखिए देखिए फ्रेंड, हम इसको फोन दे दिए, आपको विश्वास नहीं हो गया हम कैसा लड़का है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।